नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। शिक्षक दिवस के मौके पर आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सारे शिक्षकों को सम्मानित किया है। वहीं आपको बता दें कि पुरस्कार पाने वाले में से 20 जो शिक्षक हैं उसमें 2 शिक्षक जो हैं वो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही 18 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर जब हमने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कार्यक्रम के मुख्य रोशनी जो शिक्षक आज सम्मानित हुए हैं, सभी सम्मानित शिक्षकगण और हमारे मीडिया के साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लोग आज इस प्रदेश के जो हमारे प्रतिभावान शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से न सिर्फ शिक्षा विभाग का नाम ऊंचा किया है बल्कि पूरे देश में अपने प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है, इसलिए सबसे पहले हम उन तमाम शिक्षकों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको मालूम है कि आज का दिन 5 सितंबर का शिक्षक दिवस, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनके जन्म दिवस होने के कारण ही मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कई क्षेत्रों में उनकी विशेष उपलब्धियां रही हैं। एक महान शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, और सबसे जो बड़ी बात थी, या यूं कहें तो अपने सेल्फ अप्रेजल में भी हमें लगता है कि जो अपने अंदर सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ी विशेषता वो खुद समझते थे, वो उनका वही गुण या वही व्यक्तित्व था कि वो एक लंबे समय तक एक ख्याति प्राप्त शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। और मैंने जब ये बात कही है तो मुझे जब महसूस हुआ और जब मैंने जाना कि 5 सितंबर उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की भी जो शुरुआत हुई थी, ये उन्हीं के सुझाव पे हुई। शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, अभी आपको हमारे अपर मुख्य सचिव संजय जी ने बताया कि किस ढंग से उनकी सिर्फ एक रचना, एक किताब पढ़ने में जितने गूढ़ से गूढ़ विषयों के संबंध में उनकी जो समझ थी, उसको उन्होंने समाज और अपने देश के लोगों के सामने लाया था। तो ये गुण जो उनके थे, इन सब के परिप्रेक्ष्य में जब लोगों ने कहा कि हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो ये खुद, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है और सुना है, कि उनका खुद का सुझाव था कि अगर जन्म दिवस मेरा मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मना। और उनके ये विचार, उनके ये सुझाव, ये अपने आप में सारी कहानी या उनकी सारी मानसिकता को बता देती है कि उनके व्यक्तित्व के भी बहुत आयाम थे। वो टीचर भी रहे थे, राजनयिक भी रहे थे, डिप्लोमेट भी रहे थे, रसा में एम्बेसडर भी रहे थे, फिर राष्ट्रपति, देश की जो उपराष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति भी थे, और इतने सारे आयामों से
युक्त व्यक्तित्व को जब कहा गया, जन्म दिवस का प्रस्ताव आया, तो उनका खुद का सुझाव था कि आप इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाए। मतलब सीधा है कि वो अपने आप को एक शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाना, ये उनको हमेशा से ये हृदय के एकदम करीब रहा है कि वो अपने को शिक्षक ही ज्यादा मानते रहे थे। और लोगों को बताने में जो एक अनुभूति होती है, और सही बात है कि ये मेरी समझ से हम में से हर कोई महसूस कर सकता है, क्योंकि हम सब लोग जितने लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, हमारे पत्रकार मित्रों को छोड़कर, सब लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहाँ एक तरफ आज बिहार के 20 शिक्षकों को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया है, इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पे बिहार के सभी शिक्षकों से अपील की है कि अगर जब तक जितने भी शिक्षक हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, तो जो समाज है वो कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता है। बड़ा बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।